उधर केंद्र की तरफ से जारी किए गए कृषि कानूनों को लेकर लगातार स्थितियां टकराव की बनी हुई हैं। एक तरफ केंद्र को लगातार किसान कटघरे में किसान आंदोलन के जरिए खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं इस वक्त कांग्रेस की तरफ से भी किसान अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश भर में आज केंद्र में कृषि कानूनों पर सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है। सिविल लाइन्स फाटक पर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कई मंत्री विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस केंद्र से कृषि कानून वापस देने की मांग कर रही है और आज राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। तो केंद्र की कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से रणनीति यहां पर कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी, इसी दिशा में राजभवन के घेराव की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई थी और उसी दिशा में आज प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के तौर पर मना रही है। कब से मान लेना कि जिन समय में 48, 49, 50, 47 में जितने मुल्क इस दुनिया में आजाद हुए थे, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान है जो आजादी के 25 साल बाद खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ था दुनिया में। और याद कर लो, जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, यहां भी जानते हैं लोग कि शास्त्री जी ने क्या कहा था, कि सोमवार की शाम को खाना न खाओ, हॉस्टलों तक में खाना नहीं मिलता। उसका कारण था कि हिंदुस्तान भूखा रह लेगा लेकिन तुम्हारे सामने हाथ का कटोरा लेके खड़ा नहीं। और नतीजा ये हुआ कि ये मुल्क खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और याद रखना, इस मुल्क में लोकतंत्र के जो पक्षधर लोग हैं, जिस मुल्क में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं होती, वो उस मुल्क का लोकतंत्र जमहूरियत आगे चल नहीं सकती, कमजोर हो जाती, क्योंकि उसको हर के सामने घुटने टेकने पड़ा। और एक अंतिम बात कि यूपीए के समय में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी के प्रयास से इस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था, जिसमें इस देश के हर नागरिक को खाने का अधिकार कानूनी रूप से दिया गया था। इसीलिए 2 रुपए और 3 रुपए का राशन 40 करोड़ लोगों को मिल रहा है। और मोदी जी बोल, अगर एफसीआई खरीद नहीं करेगी, सरकारी मंडी नहीं होगी, तो इस देश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो इस देश की राशन प्रणाली है, उसका क्या होगा। इसलिए ये सवाल कांग्रेस के साथ साथ पूरे इस देश के लोगों का है। और जहां तक सवाल ये आता है कि किसान आंदोलन कर रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पहले दिन से संसद से अंदर हमारे लोग बाहर निकाले। 28 सितंबर को हर प्रदेश में कार्यक्रम हुए, 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के दिन हमने किसान दिवस के रूप में मनाया, 10 तारीख को हर राज्य में किसान सम्मेलन हुए और श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 करोड़ लोगों का दस्तखत करा के श्री राष्ट्रपति महोदय को देने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की ये लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की आज खाद्यान्न सुरक्षा को बचाने के लिए, आत्मनिर्भर को बनाने के लिए, और इस देश के किसान जो अन्न